ओह माय गॉड, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, स्पैगेटी है ना भाई इब्राहिम, मजे मजे। कोई नहीं, तुम्हें एक पाव बिरयानी दिला दूंगी, बस रो रहे हैं। मोहम्मद अली जा रहे हो, जा रहे हो, कब आओगे? मतलब टिन जो होता है, मेटल का जो होता है, जैसे पीडियाश्योर का डब्बा हो गया, तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और हम यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तुम्हें एक पाव बिरयानी दिला दूंगी, बस रो रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, कल आपका अर्थ डे है। Assalamualaikum guys, welcome to my channel Here Ali guys. अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और मोहम्मद अली भी निकलने वाले हैं, तो अभी हम इनसे मिलते हैं और मिलते हैं फिर उसके बाद आपसे। और गाइज, मोहम्मद अली जो हैं वो आज जा रहे हैं बाबा उर्फ बाबा, मोहम्मद अली उर्फ बाबा। अली बॉटल लो। तो भाई अली अपने सफ़र पर रवाना हो रहे हैं, है ना अली? कितनी स्पीड पर जाएंगे आप? हाँ जी, 190 किलोमीटर स्पीड बताइए। स्पीड नहीं बता रहे। तो ये इनकी बाइक है, ये इनका लगेज है जो ये बांध रहे हैं रस्सियों से, अपने लगेज को बांध रहे हैं ये। और ये निकल रहे हैं कराची के लिए, अल्लाह पाक इनको साथ खैर से पहुंचाए और ये जल्दी वापस आए। सो फाइनली आपका लगेज बन गया है, बहुत मुश्किल से बांधा है हमने ये। अपनी बॉटल भी रख लो बैग में, वाटर बॉटल। खड़े होके पानी नहीं पीते, गुनाह होता है। बैठ कर 3 सांसों में पानी पीना चाहिए। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मतलब तैयारी चेक करें आप, इतना कुछ पहन कर जाते हैं। ये वो जैकेट है जो है डस्ट प्रूफ जैकेट है जो इनके कपड़ों को अंदर से साफ रखेगी। और ये कैंडीज खा कर जाते हैं हर वक्त। ओ यार मेरा कैचर अली, थैंक यू यार, कब से ढूंढ रही थी, यकीन करो बेवजदान ढूंढ ढूंढ के थक गया मैं, ढूंढ ढूंढ के थक गई। और मुझे कैचर फ्रिज के ऊपर रखा था, मिला ही नहीं, एक वाहिद कैचर है मेरे पास यार, बस तुम ढूंढ ढूंढ के देते रहा करो। मोहम्मद अली जा रहे हो, जा रहे हो, कब आओगे? चलो अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना, स्लो स्लो जाना है। 100 की स्पीड, खैर से जाओ, खैर से आओ, पहुंच के मैसेज करना, ठीक है? ऑल डन। टाइम हो रहा है 8:36 अप्रॉक्सीमेटली, 8:30। चलें भाई, इनकी रवानगी हो रही है, सफ़र की दुआ पढ़ लेना, अल्लाह हाफिज। चलो 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 चलो, जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। वी आर बैक टू रूटीन, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनको छोड़ने और लाने की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। ईद ख़त्म हो गई है, स्कूल्स वापस रीओपन हो गए हैं और अली जा चुके हैं, तो हम अपने रूटीन की तरह वापस आते हैं, मेरी ड्यूटीज़ वापस शुरू होती हैं। अब मैं बच्चों को ड्रॉप करने जा रही हूँ, वापस पिक करने भी जाऊँगी। ये क्या है भाई? बहुत अच्छे से नींद पूरी कर ली है, जब बच्चों को सुबह स्कूल ड्रॉप कर कराई थी तो आकर सो गई थी, तो बहुत अच्छे से नींद कर ली है, 3 घंटे की। और अब मैं उठी थी अराउंड 12 बजे और मैंने सारे घर के काम किए हैं और अब मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए। तो देखते हैं कि ईद से पहले जो अंकल आके बाहर खड़े हो जाया करते थे मेरे लिए कि मैं बच्चों को स्कूल से पिक करके ले आऊं, तो क्या वो खड़े या नहीं, या फिर क्वारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर अब जो है वो सही वाली गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। हाँ अंकल खड़े हैं तैयार बिल्कुल, तो इन्हीं के साथ चलते हैं। ईद मिलन पार्टी है, ईद के ड्रेस में आना है। हाँ और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 8 बच्चों के लिए बिरयानी लानी। ओ माय गॉड जी, आपकी टाई को क्या हुआ? आपके टायर को क्या हुआ? अरे यहाँ से कहाँ से खींच रहे हो, यहाँ से निकालो। ओए होए पूरी बार आ गई वो। स्टूडेंट वैसे ही फ्राइडे को कमाते हैं और पार्टी में भी कमाते हैं और इतने इतने चीज़ें मंगा रही हैं और कितनी चीज़ें मंगा रही हैं। टीचर को खुद खाना होगा, उनका दिल चाह रहा होगा इतनी पार्टी करने का, है ना?
जल्दी खोलो बच्ची, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। चलो भाई। सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में ये है बच्चों का आटा जो बच्चे खाते हैं, यानी नॉर्मल आटा, और ये है मेरा आटा जो कि है डाइट आटा। मैंने कहा मैं एक छोटी सी रोटी अपनी डाइट आटे की बना लूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख। तो यहाँ पे इब्राहिम कर रहे हैं फ्राइज़ और योगर्ट का नाश्ता। ये इनका फेवरेट नाश्ता है, इनको फ्राइज़ नाश्ते में योगर्ट बहुत पसंद है, एग इनको अच्छा नहीं लगता। और वजदान ने जो है वो अपने नाश्ते को फ़ौरन ही घुमा दिया दो मिनट में, जब तक मैं फ्राइज बनाने लगी इसने योगर्ट से पराठे को यूं घुमा दिया मिनटों में। गजब बेइज्जती है। पराठा कहाँ गया? पराठा यहाँ। ओ माय गॉड। बता मेरे स्कूल में जो कल ईद मिलादुन्नबी की पार्टी थी। ईद मिलादुन्नबी की पार्टी थी इब्राहिम, ईद मिलादुन्नबी की पार्टी थी। अबे भाई किसकी पार्टी थी? ईद मिलादुन्नबी। ये क्या है, ईद मिलादुन्नबी था कल? क्या थी? ईद मिलन पार्टी थी। और ईद मिलादुन नबी बजदान, यार मतलब क्या चीज़, क्या हो तुम, एंटीक पीस हो। तो आप तो नहीं गए थे ईद मिलन पार्टी में, और कल भाई की है, भाई तो बड़ा इंजॉय करने वाले हैं भाई, बिरयानियाँ शिरयानियाँ लेकर जाएंगे। भाई कह रहे हैं कि भाई जाएंगे नहीं, भाई को नहीं। और भाई कल पढ़ाई भी होगी और कल जो है वो उसकी ईद मिलन पार्टी है। यार आपका असल में उन्होंने बिल्कुल फर्स्ट डे पर रख दिया तो इसलिए मैंने नहीं भेजा था। और भाई पिज्जे शिज्जे खाएंगे भाई, बिरयानियाँ शिरयानियाँ फलूदे कोल्ड ड्रिंक बर्गर स्पैगेटी, है ना भाई इब्राहिम, मज़े मज़े मज़े। यार तू तो वैसे भी खा लेता है, इसमें क्या है यार? अरे वज्जी ऐसे नहीं करो भैया, उठ जाओ, चलो जाओ 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 जाओ। यार वज्जी तुमने तो हद कर दी यार, उठ जा बेटे उठ जा। अच्छा पढ़ने का टाइम है इसलिए रो रहा है, समझ गई मैं, अब समझ गई सारी बात। कोई नहीं तुम्हें एक पाव बिरयानी दिला दूंगी, बस रो रही। आपके स्कूल में भी तो एक्टिविटी है, आपको ब्लू ड्रेस वेयर करके जाना है, कल अर्थ डे सेलिब्रेशन है आपके स्कूल में, और आपने कोई अच्छा सा, आपका कॉम्पिटिशन है वहाँ पे, आपने कोई बहुत अच्छा सा है ना प्रोजेक्ट बनाना है तो प्रोजेक्ट की तैयारी करिए, उठिए चलिए। क्या बनाएंगे? रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट है आपका, कल अर्थ डे की सेलिब्रेशन है और कोई कंपटीशन रख दिया स्कूल वालों ने कि घर से बना के लाना है। ये पता नहीं क्या सीन है कि घर से बना के लाओ, घर से सारा कुछ बच्चे कर कर आए, मैं मुझे तो नहीं आता कुछ भी बनाना, मैं क्या बना के दूंगी, मेरा बच्चा का प्रोजेक्ट रह जाएगा। मुझे यार क्या करें यार। और इनके स्कूल में, इब्राहिम के स्कूल में ईद मिलन पार्टी आ गई है, और ये मंगाया है वो मंगाया है, मैं सारी चीज़ें सामान, मुझे शाम को बड़ी क्वारियाँ करनी पड़ेंगी। मेरी क्वारी जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है भाई, बहुत हो गया, ईद भी ख़त्म हो गई है और बाबा चले गए हैं, और अपने क्वारी जो है ना वो सीन शुरू हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इब्राहिम के लिए बिरयानी लेने के लिए, जो कि कल इसको ईद मिलन पार्टी में लेकर जानी है। और वजदान के स्कूल में कल है अर्थ डे सेलिब्रेशन, तो उसकी एक्टिविटी के लिए इसको कुछ रिसाइकल के लिए बनाना है प्रोजेक्ट, उसके लिए मैं कुछ मटीरियल लेने के लिए जा रही हूँ। मुझे वैसे सच कुछ बनाना नहीं आता है, लेकिन मैं कुछ ट्राई करूँगी। मतलब टिन जो होता है, मेटल का जो होता है, जैसे पीडियाश्योर का डब्बा हो गया, उसके ऊपर पेपर से कुछ चिपकाएं तो ये चिपक, इससे चिपक जाएगा ना। अब ये देखो इसमें चीजें लिखी हुई हैं, वुड है, ग्लास, पेपर, मेटल। मेटल लिखा है ना, मेरा ख्याल है ठीक है। अच्छा इसके अलावा मुझे ग्लेस पेपर दे दे, कोई भी ब्राइट कलर दे दे, रेड दे दे, कलर्स दिखा दे मुझे इधर। जो गिफ्ट पेपर शीट होती है वो यही होती है, वो दिखाएं। और गिफ्ट पेपर शीट जो होती है वो कौन सी होती है, चमकीली? नहीं नहीं नहीं, चमकीली सी जो होती है। ये ग्लिटर शीट है और ये ग्लेस पेपर है, ये तो चिपक जाएगा ना उसके ऊपर। हाँ आप अपना सामान खुद पकड़ना, सब अपना अपना सामान खुद पकड़ेंगे, सेल्फ सर्विस होनी चाहिए। क्या क्या करना पड़ता है बच्चों के लिए भाई? तो वजदान का सामान हम लोगों ने, मटेरियल जो है इसके प्रोजेक्ट का, वो हमने ले लिया है, और अब हम आए हैं इब्राहिम के लिए बिरयानी लेने के लिए। और इब्राहिम यहाँ पर गए बिरयानी लेने के लिए, और वजदान ने कहा है कि मैं भी बिरयानी लेकर जाऊँगा लंच में, भाई लेकर जाएंगे तो मैं भी लेकर जाऊँ। ग्लू लिए हमने और ये ग्लेस पेपर लिया है हमने, और हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। इसका कैप बनाने के लिए हमने लिया है एक शू बॉक्स का डब्बा, और अब हम इसको ऐसे उल्टा रख के सर्कल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका ढक्कन बन जाएगा, इसका कैप बन जाएगा। सर्कल जो है वो बन गया, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये परफेक्ट साइज़ नहीं था, यहाँ कॉर्नर से ये ख़राब हो गया था मुझसे, फिर मैंने अनदर पेपर कट किया है इसके लिए, और
अब इसका पेस्ट मैंने इसके ऊपर कर दिया और ये परफेक्ट साइज़ है। वजदान ने इसके अंदर जो है वो अपनी तमाम ईदी ला के रख दी है। ये बेटा स्कूल लेकर जाना है प्रोजेक्ट, और इसके ऊपर लगा के देखते हैं हम इसका कैप सही बना है या नहीं। हाँ जी परफेक्ट, काम ना आते हुए भी वजदान मैंने यार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर दिखाया। और ये देखें कैप बन चुका है इसका कुछ इस तरह से। अभी हम इसकी आंखें भी बनाते हैं। फाइनली ये बन गया है और कुछ इस तरह से लग रहा है। बहुत मुश्किल से बनाया है लेकिन बन गया, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें जो है वो बनानी नहीं आती। हमेशा बाबा बनाते हैं बच्चों के लिए ऐसी चीज़ें, लेकिन बाबा नहीं होते तो जो है वो वजदान बहुत डिसाइड हो रहा था कि इसको चाहिए, इसको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लेकर जाना है। तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत करी, मुशक्कत करी और ये बना दिया उसके लिए। बहुत फिनिशिंग से तो नहीं बना, मुझसे जुगाड़ करके बना दिया है, फिर भी बहुत अच्छा बन गया यार, है ना। सेट लुक्स गुड, फिर भी अच्छा बन गया और बड़ी मेहनत से बनाया है मैंने। बहुत कोशिश की और वजदान बहुत देर तक जागता रहा था कि मामा बना के दें बना के दें, और बहुत सैड हो रहा था कि नहीं अगर मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला तो मैं नहीं जा रहा, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊँगा। मैंने कहा नहीं यार बना के दे रही हूँ। तो बस इसके लिए जो है स्पेशली फॉर वजदान मैंने ये जो है वो इसको ट्रैश बिन भी कह सकते हैं, मतलब आप कुछ भी ट्रैश भी इसमें छोटे मोटे रैपर्स होते हैं बच्चों के पास रखते हैं वो इधर उधर फेंकते रहते हैं तो उसमें डालेंगे, तो इसको ट्रैश बिन भी कह सकते हैं और इसको मनी बॉक्स भी कह सकते हैं। आप इसमें अपनी मनी भी सेव कर सकते हैं। तमाम बच्चे अपने घर से कोई भी अर्थ डे से रिलेटेड जो है वो क्या बना के लाएंगे, रीसाइकिलिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट, रीसाइकिलिंग प्रोजेक्ट कोई बना कर लेकर आएँ कि हम चीज़ों को रीसाइकिल कैसे कर सकते हैं, वेस्ट मटीरियल को हम रीसाइकिल कैसे कर सकते। तो बाबा नहीं थे तो मैंने बहुत ट्राई किया, मटेरियल हम लेकर आए, हमने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, थैंक्स फॉर यूट्यूब के वहाँ पर आपको DIY की जो वीडियोज़ होती हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल होती है, वो मिल जाती हैं। तो हमने वो सारी देखी जो हमें सबसे ईजीएस्ट लगा, जो लगा कि मैं कोशिश करके कुछ ना कुछ बना ही सकती हूं। तो हम मटेरियल लेकर आए और हमने बना ली। और कल इब्राहिम के स्कूल में ईद मिलन पार्टी भी है, उसको लेकर जानी थी बिरयानी, तो हम बिरयानी भी लेकर आए। तो भाई बड़ी कुंवारी होती है जब बाबा नहीं होते तो, लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है तो मैं अकेली सब कुछ करती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके लिए स्पेशली बनाई है, बहुत देर तक वजदान जागता रहा, इसने आँखें शाँखें बनाने में ड्राइंग में मेरी हेल्प की कि ये मैं कर लेता हूँ, और फिर ये सो गया, बहुत लेट सोया बट ये सो गया। और इसका जो कैप है वो मैंने शू बॉक्स को यूज़ किया था, खाली शू बॉक्स को, उसके मैंने जो है उसके बोर्ड से जो है वो मैंने उसके गत्ते से जो है इसका कैप बनाया है। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और हम यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। गाइस अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की व्लॉग में इंशाल्लाह, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।